अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुरादाबाद महानगर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर पाकिस्तान द्वारा बलपूर्वक आक्रांत गिलगित बाल्टिस्तान एवं मीरपुर मुजफ्फराबाद क्षेत्र में मूलतः भारतीय जनसंख्या के मानवाधिकार हनन एवं भारत की आक्रांत भूमि के हो रहे अनैतिक शोषण एवं उपयोग के विषय को विश्व समुदाय के बीच लाने और निराश एवं दमन से रही POJK की जनसंख्या के भविष्य के लिए आशा के दीप प्रज्वलित किए। विभाग संयोजक शिवा शर्मा ने कहा कि विश्व में प्रत्येक मानव का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। पूर्व में आपने देखा कि जब जम्मू और कश्मीर में धारा 370 लगी हुई थी तब कश्मीरी पंडितों के मानव अधिकार हनन किए गए, साथ ही उनकी जमीनों का भी शोषण कर लिया गया, जो कि सरासर दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही। ऐसा भविष्य में ना हो, विश्व में संपूर्ण मानव जाति के अधिकारों का संरक्षण हो, विद्यार्थी परिषद इसी के लिए प्रयासरत है। इस अवसर पर प्रांत उपाध्यक्ष डॉ. मीनू मेहरोत्रा, प्रांत सह मंत्री सचिन सिंह, विभाग संयोजक शिवा शर्मा, महानगर मंत्री सरल शर्मा, महानगर सह मंत्री अरुण प्रताप सिंह, अभिषेक कुमार, दिवाकर प्रसाद शर्मा, तुषार कुमार, सचिन राजपूत, उदय सोती, अमन कक्कड़, अनुभव गुप्ता, परीक्षित दिवाकर, दिव्यांशु सोती, तुषार शर्मा, काव्य सक्सेना, अभिषेक कुमार, आशा अग्रवाल, मुखीत अनंत ठाकुर आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज कैंटीन मार्च किसने निकाली है? आज आपको पता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस है, उसके उपलक्ष्य में आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और एक कैंडल मार्च हम लोगों ने निकाला है। जैसा कि आपको पता है कि कश्मीर के अंदर जो है धारा 370 पहले लगी हुई थी, जिसमें वहाँ पे रहने वाले ब्राह्मण परिवार, पंडित परिवार 5 लाख तो ऑन रिकॉर्ड है, 7 लाख कश्मीरी पंडित वहाँ से निकाल दिए गए, और जबकि कोर्ट भी था, सब था, उनके पूरे तरीके से उनके मानव अधिकारों का बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म कर दिए गए जो मानव अधिकार होते हैं। ऐसे ही कश्मीर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसमें वहाँ पे भी किस तरीके से यूज़ हो रहा है, सब लोगों को मारा जा रहा है, अल्पसंख्यकों को, और साथ ही जो है वहाँ आतंकवाद अपना अलग ही रूप दिखा रहा है। इस विषय को लेकर के आज हमने कैंडल मार्च किया है कि एक आशा की लो उनके जो है मानव अधिकार सुरक्षित रहे, इस उपलक्ष को लेकर के आज हमने। कौन कौन लोग इसमें मौजूद रहे आज? आज हमारे संघ परिवार के कई लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उपस्थित। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर, क्या अपील करेंगे लोगों से? जी, क्या अपील करेंगे इस मौके पर लोगों से? अपील हम लोगों का कैंडल देने का यही है कि एक तरीके से सब मानव अधिकार सबके लिए है, तो ये अधिकार सबको मिलना चाहिए, सबका रहना चाहिए, और जिस तरीके से धारा 370 जब लगी हुई थी, जिस तरीके से उन लोगों के साथ व्यवहार हुआ, और आज भी देश के बाहर और देश के अंदर कई जगह पे ऐसा हो रहा है, वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहे।